एकादशी का व्रत जो नहीं करते उन्हें करना चाहिए, पापों की अधिकता हो जाती है तब नरकों की यातनाएं सहनी पड़ती है, शास्त्र कहते हैं कि जब त्याग और तपस्या कम हो जाती है जीवन से तब पाप की अधिकता हो जाती है। पाप की अधिकता होने से मनुष्य कई कई योनियों में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर भटकता है, यमलोक के दर्शन करने पड़ते, कई कई कष्ट और यातनाएं उठानी पड़ती है जब मनुष्य पाप की ओर प्रवृत्त होता है, पुण्य क्षीण होते हैं, त्याग और तपस्या का जीवन में महत्व नहीं होता है, तब पापों की अधिकता के कारण मनुष्य कई कई जन्मों में भटकता है। एक बार ऐसे ही धर्म का लोप होने लगा था, लोग धर्म की ओर प्रवृत्ति नहीं करते थे, विषयासक्त मनुष्य अधिक से अधिक पाप करने के पीछे प्रवृत्त होते थे, न एकादशी का व्रत करते, न जप में मन लगता, न ही संत महापुरुषों का सेवन करते थे। कभी ऐसे समय की बात है, यमलोक भरने लगा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग अधर्म करने लगे। अधर्म करने लगे तो यमराज बड़े परेशान हुए और यमराज ने अधर्म को निकाल के अपनी यमपुरी से बाहर कर दिया और कहा कि तुम्हारा स्थान मेरे पास नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम यहाँ रहते हो, तुम्हारे यहाँ रहने से मेरा यमलोक भरता जा रहा है, इनका मैं सेटिंग कहाँ करूँ। एक भी आदमी ऐसा पुण्यात्मा नहीं आता जिसे स्वर्ग में भेजा जाए, एक भी व्यक्ति इतना पुण्य नहीं करता जिन्हें वैकुंठ भेजा जाए, एक भी इंसान इतना पुण्य नहीं करता कि उन्हें देवलोक भेजा जाए, सारे मेरे ग्राहक बन रहे। जैसे कि आपके पास कोई मेहमान आए और बहुत परेशान करता रहे और वो अपने बाल बच्चे सब बढ़ाता बढ़ाता अपने पड़ोसी को भी लाए, अपने बच्चों को भी लाए, अपने प्रियजनों को भी लाए, तो आप बोलोगे ना निकल बाहर यहाँ से, तेरे बाप का घर है। वो अधर्म सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊँ, ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा ने कहा देख यहाँ वेदों का उच्चारण होता है, मेरे मुख में वेद है, वेद का उच्चारण होता है, यहाँ पर तो तेरा टिकना मुश्किल है, ऐसा कर तू शिव जी के पास जा। शिव जी तो बहुत भोले, इतने भोले तुझे बगल में ही बिठा दे, हो सकता है। ओ बड़ा खुशी 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 ओ चला गया अधर्म कहाँ, शिव जी के पास। थोड़ी देर खड़ा रहा, शिव जी की आंखें बंद थी, बंद थी, बंद थी, बंद थी, बंद थी। थोड़ी देर के बाद शिव जी आँख खोलते, बोलते तू कौन है और यहाँ क्यों आया। उसने कहा प्रणाम करता हूँ महाराज, बहुत दुखी आदमी हूँ, दुखी व्यक्ति आपकी शरण हूँ, मुझे अपनी शरण में रख लीजिए। बोले पर तू है कौन, बोले मैं अधर्म। शिव जी ने आंखें चौड़ी करके देखी बड़ी बड़ी, अधर्म का यहाँ क्या काम, तुम मेरे लोक में कैसे आए। महाराज कहाँ जाऊं, आप ही तो एक आश्रय है मेरी शरण, जैसे ब्रह्मा जी ने बताया उसको वैसा सेम उसने उतारा मारा। महाराज कहाँ जाऊं, आपके अलावा कहाँ जाऊं, भोले भंडारी सारे दुख निवारी, मैं आपकी शरण हूं महाराज, मुझे यहां से मत भेजो मत भेजो। तो शिव जी ने कहा मैं कहां भेज रहा हूं, पहले से ही बोल रहा है मुझे मत भेजो, मैं कहां भेज रहा हूं, पर तू यहां आया कैसे, यमपुरी में था। हे भोले भंडारी, हे शिव, हे शंकर, आप तो समस्त प्राणियों के दुखों के हरने वाले, चल अब ज्यादा स्तुतियां का गान मत कर, अपना उद्देश्य बता। मैं यमपुरी में था और यमपुरी में ओवर स्टॉक का यो माणस हूं, बहुत खचाखच हो गया है, तो यमराज ने मुझे निकाल दिया। मैं ब्रह्मा जी के पास गया और ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें शिव जी के पास जाना पड़ेगा, मैं आपकी शरण हूं महाराज, अब मैं यहीं छोड़ के कहां जाऊं, इतना अच्छा शिवलोक है, आपके इतने भूत प्रेत सब गणे हैं, मैं एक हूं, एक मैं भी समा जाऊंगा।
शिव जी चुप रहे और शिव जी ने कहा कि मेरा लोक तुम्हारा स्थान नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ मैं हूँ वहाँ अधर्म नहीं टिक सकता। मैं तो अधर्मों का नाश करने वाला हूँ, अधर्मों को पनपाने वाला नहीं। पर वो ब्रह्मा जी की बात याद थी कि शिव जी भोले हैं, चौटे लो रेजे हल तो नहीं, चिपक के खड़े रहना, हिलना मत। ये चिपक के उसी स्थान पर खड़ा रहा। शिव जी ने थोड़ी देर बाद आंखें बंद कर ली, जब खोली वापस तो ये वहीं का वहीं खड़ा था। वापस अपना वही का वही रिकॉर्ड शुरू किया, भोले भंडारी त्रिपुरारी, हे समर्थ मैं आपको छोड़कर कहां जाऊं। शिव जी ने उठाया त्रिशूल, भाग ताकि नहीं भाग, जा ताकि नहीं जा। उससे तो एक शिव जी का त्रिशूल उठा और एक आवाज क्या सुननी थी, कोसों दूर भाग, पीछे मुड़ के नहीं देखा उसने, एक सांस में भागा। नारद जी तो अपने जहाता, तुम यहां, तुम्हें क्या हो गया, और तुम तो कभी थकते ही नहीं, आज तुम्हें थकान कहां से लगी। ये आपके भोले भंडारी नाम है भोले, काय के भोले, काय के भोले, कोई भोले वाले नहीं, भोले वाले नहीं। ऐसा त्रिशूल बा, ऐसा कहा तो मेरे तो एकदम, आप पूछो मत महाराज, मेरी सांस सांस ही आने कोई तैयार नहीं, अंदर से सब चली गई। भोले भंडारी नाम देते हो, देवों के देव महादेव, काय महादेव, ऐसे महादेव होते, शरण भी नहीं देते, भूत प्रेत सब रहते, से लूले लंगड़े सारे टेढ़े मेढ़े सब रहे, मेरे में क्या दिक्कत है। बोले तुम ऐसा करो, अभी ना तुम बहुत क्रोध में हो और अधर्म की और शिव की जमी नहीं कभी, इसीलिए तुम्हारा रहना तो वहां कठिन ही है, पर नारायण उसका निकाल जरूर कर देंगे, पर तू वहां से हिलना मत, और अगर नहीं किया तो आप चलो मेरे साथ, आप चलो। फिर थोड़ी देर सोचने लगा, आपको कैसे बोल रहा हूं, आप तो वैसे ही आगे करके खुद पीछे भग जाते हो, आपका कभी भरोसा किया जा सकता है। ओ अधर्म सोच रहा है कि लगता है ना ये सारे अब मेरे अस्तित्व को खतरे में डालने वाले, लगता है मने दुनिया में थी जब राम नाम सतज करी देवाना है, जाऊं कि नहीं जाऊं, पर अब जाए बिना चारा नहीं मेरा, कहीं तो ठिकाना होना पड़े, निर्बल को बलवान की शरण जाए बिना चारा नहीं, असमर्थ को समर्थ की शरण लिए बिना चारा नहीं। तो समर्थ से मित्रता करनी चाहिए, बलवानों की शरण जाना चाहिए, तो हमारी सुरक्षा हो जाती है। अब मेरी सुरक्षा करनी है तो बिना नारायण के कोई चारा नहीं, चलो चलते। अधर्म आगे बढ़ा, हिम्मत आई, थोड़ी थकान उतरी, हे समस्त विश्व के पालन करता, आपको मैं प्रणाम 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 करता हूं। कौन हो तुम? महाराज मैं अधर्म, अधर्म यमलोक से भागा, ब्रह्मपुरी गया, ब्रह्मा जी के शरण में स्थान नहीं मिला, मैं शिवलोक गया, और शिव जी ने तो त्रिशूल दिखा दिया मुझे, वहां से भागकर आपकी शरण आया। पहले तो मुझे अभय वचन दिया जाए कि सुदर्शन ना निकाला जाए, तब मैं अपनी बात रखने में समर्थ हो पाऊंगा महाराज। पहले तो समर्थ से हमें आश्रय मिले, पहले ऐसा वचन मिले कि आप मेरा कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करेंगे, उल्टा सीधा मतलब मुझे मारेंगे नहीं। भगवान नारायण मुस्कुराए, बोले तुम अपनी बात रखो, हम तुम्हारी बात को समझकर उसका तुम्हारे प्रॉब्लम का निराकरण करने की कोशिश करेंगे। महाराज मुझे कोई भरोसा नहीं, आप ही थे ना वृंदा का सत्यत्व भंग करने वाले, कौन आप ना, जलंधर कौन बना था, आपने कपट किया था नहीं किया था। महाराज मुझे किसी पे भरोसा नहीं है,
मुझे मेरे अस्तित्व को टिकाना है और मेरे अस्तित्व को टिकाने के लिए मुझे आपसे अभय लेना ही पड़ेगा। पहले तो महाराज मुझे अभय वचन दीजिए कि ये जो सुदर्शन है वो आप ही के पास रहेगा, मेरे पास नहीं आएगा। आपके शेषनाग की पुछड़ी इधर से उधर नहीं होगी। मैं सब प्रकार के आपके शस्त्रों का सेफ साइड करना चाहता हूं कि ये शस्त्र मेरे पर नहीं चलेगा। कोई भी शस्त्र, आपकी गदा महाराज मुझको छुएगी तक नहीं महाराज। दूसरा, कोई भी ऐसा आपका संकल्प या आपका फुरना, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। हिरण्यकश्यपु को ऊपर मरूं नीचे नहीं मरूं, आदमी से न मरूं पशु से न मरूं, तो आप नरसिंह बन गए। आप तो एक तीसरा तोड़ भी निकाल देते हो, पर मुझे ऐसा तीसरा तोड़ भी आपसे नहीं चाहिए। समझ रहे हो? सब मांग लिया उसने, तीसरा तोड़ भी मुझे नहीं चाहिए जिसमें आपकी बुद्धि सेटिंग करती है। सुदर्शन ना हो, गदा ना हो, शेषनाग की पूंछ हिलनी नहीं चाहिए, क्षीर सागर उफान पर नहीं आना चाहिए, कोई भी आपके इर्द गिर्द की कोई भी वस्तु मेरे अस्तित्व को खतरे में डाले ऐसा ना होना चाहिए। और उसके अलावा ये सब कुछ मांगने के बाद भी ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए जो आपकी बुद्धि अधर्म को नाश करने के लिए कोई तीसरा रास्ता सोचती है। ऐसा तीसरा रास्ते से भी मैं अपने आप को बचाना चाहता हूँ महाराज। अभय 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 अभय, मुझे अभय कर। नारायण ने कहा, मेरी शरण में आया हुआ और जो मुझसे कुछ मांगता है उसे मैं अभय देता हूँ। तुम मेरी ओर से सर्वथा निर्भय होकर कहो कि तुम क्या चाहते। हे नारायण, मुझे रहने का स्थान चाहिए, मैं कहाँ रहूँ? मैं वहाँ सुख से निवास करना चाहता हूँ। मुझे कोई ऐसा स्थान दिया जाए जिसमें कभी, आज नहीं, कोई अन्य देवता या कोई अन्य मनुष्य अगर उसका आधिपत्य लेता है तब भी वो मेरे रहने का स्थान असुरक्षित नहीं होना चाहिए। जैसे कोई पार्टी आ जाती है तो एक पार्टी, दूसरी पार्टी वाले लोग असुरक्षित हो जाते हैं ना। जैसे कोई कंपनी का सेक्रेटरी या मैनेजर बदल जाता है तो जिनकी मैनेजर के साथ सेटिंग थी, नए मैनेजर के साथ नहीं होती, तो वो इनसिक्योर हो जाते हैं। ऐसे ही मनुष्य या देवता, मुझे ऐसा कोई स्थान बताओ कि मनुष्य या देवता कोई भी उस स्थान का आधिपत्य करता हो तब भी मेरी असुरक्षा नहीं होनी चाहिए। परमानेंट मैं वहां पर शांति और सुखपूर्वक निवास कर सकता हूं। भगवान नारायण थोड़ी देर शांत हुए और फिर कहा कि मैं तुझे वो एक स्थान बताता हूं जिसमें तू रहेगा तो आज नहीं सदैव के लिए, एक युग नहीं अनेक युगों तक यही नियम उस पर लागू होगा। मैं तुझे एकादशी के दिन अन्न में निवास करने की आज्ञा देता हूं। तुम्हारा स्थान एकादशी के दिन अन्न में निवास करेगा और उस स्थान से तुझे कभी कोई नहीं भगा सकता। कोई जानकर अन्न खाए या कोई अनजाने में अन्न खाए, उसे अधर्म करने का पाप जरूर लगेगा। हमारी ये कथा एकादशी के व्रत को उजागर करती है। हे नारद, मनुष्य लोक में जो मनुष्य जन्म लेता है वो मनुष्य जन्म पाकर मेरी कथा का श्रवण ना करे, मेरे गुणानुवाद ना श्रवण करे, ना गुणगान करे, मेरे नाम में प्रीति ना करे, मेरा संकीर्तन ना करे और एकादशी का व्रत ना करे, उसे पृथ्वी पर भार रूप समझना चाहिए। इसीलिए ये जो वैदिक कथा है वो हमें यही शिक्षा देती है कि हमें भूल कर भी कितनी भी परिस्थिति ऊपर नीचे हो जाए, कोशिश करके कम से कम एकादशी को व्रत भंग ना हो उसकी कोशिश करनी चाहिए। ऐसा एक नहीं, कई अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं जो एकादशी को अन्न ना खाने को ही ज़्यादा जोर देते हैं। एकादशी को अन्न में पाप का वास माना जाता है और अधर्म की यही कथा हमें ये शिक्षा भी देती है कि अन्न एकादशी के दिन अन्न में अधर्म का वास होता है।
तो जो लोग एकादशी करते हैं वो लोग तो ठीक धर्म का कार्य करते हैं, पर जो लोग नहीं करते उन्हें भी आप एकादशी का व्रत कराने का संदेश दीजिए। और एकादशी जितने लोग करते हैं और आप जितने लोगों को करवाते हैं उतना पुण्य आपके हिस्से में जमा होता है। तो आप दूसरों से भी एकादशी कराइए, आपके इर्द गिर्द, आपके पड़ोसी, आपके बच्चे, आपके बुजुर्ग, आपके नौकर चाकर, आपके मित्र, जितने लोगों से आप मिलते हैं उन सबको एकादशी की महिमा से अवगत ज़रूर कराना चाहिए।